ट्रेडिंग मेंटर्स द्वारा हमें ये सिखाया जाता है कि दो मूविंग एवरेजेस लो, एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, और जब वो एक दूसरे को क्रॉस करे यानी कि क्रॉसओवर देखने को मिले तो बाई और सेल ट्रेड्स ले लो। और कुछ इस तरह के चार्ट्स दिखाई जाते हैं, जैसे ही शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लाइन लॉन्गर मूविंग एवरेज लाइन को ऊपर की तरफ तोड़े तो बाई कर लो, और जैसे ही नीचे की तरफ तोड़े तो सेल कर दो, और वहां पर एक दूसरी शॉर्ट पोजिशन ले लो। बहुत ही आसानी से ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ट्रेडिंग गुरुज कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये स्ट्रेटजी कितनी बार काम करती है। सच्चाई तो ये है कि ये स्ट्रेटजी ज्यादा से ज्यादा 15% ट्रेडिंग सिग्नल में ही काम करती है, और वो भी तब जब आपकी किस्मत अच्छी हो तो। सच्चाई इस चार्ट पर देख सकते हो, प्राइस इज मूविंग इन ए कंसोलिडेशन फेज और चॉपिनेस है मार्केट में, और ढेर सारे क्रॉसओवर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर आप उस क्रॉसओवर स्ट्रेटजी का ब्लाइंडली इस्तेमाल करते, आंख बंद करके इस्तेमाल करते, तो आपके अकाउंट के खाली होने के चांसेस 100% होते। अपने पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम्स ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम मूविंग एवरेजेस के बारे में सीखेंगे, कैसे उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, और मैं खुद मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को कैसे ट्रेड करता हूं वो भी शेयर करूंगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले बता दें, हमने बहुत ज्यादा रिसर्च करके एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद में एक 3 घंटे का ट्रेडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्रोग्राम्स हैं इंटरनेट पर, जिसकी कीमत सिर्फ 499 है। प्रोग्राम पाने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रिक्वेस्ट मिलने के 1 से 2 घंटे के अंदर हम एक्सेस दे देते हैं। तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स को इतना ज्यादा क्यों इस्तेमाल किया जाता है? हमें हमेशा से ही यही सिखाया गया है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। लेकिन ये कैसे पता करें कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है? ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर का इस्तेमाल करके, राइट? और मूविंग एवरेज भी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर ही है। और जब एक से ज्यादा कोई मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता है तो इसलिए करता है कि एक अच्छा ट्रेड लेने के चांसेस बढ़ सकें। जितना ज्यादा मूविंग एवरेजेस उतनी ज्यादा कंफर्मेशन। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स लोअर टाइम फ्रेम्स पर नहीं काम करते। और ये लिख के ले लो, क्योंकि ट्रेडर्स ने हजारों कॉम्बिनेशंस बना बना करके देख ली, लेकिन ये काम नहीं करती। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप क्रॉसओवर्स को 5 मिनट या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें, तो इस आइडिया को साइड में रख दीजिए, क्योंकि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड क्रॉसओवर्स ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स। यस, यू मे गेट अ कपल ऑफ और सम गुड ट्रेड्स, बट नॉट कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। इसलिए हमें ये समझना जरूरी हो जाता है कि क्यों हमें लोअर टाइम फ्रेम पर कंसिस्टेंटली अच्छे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स नहीं मिलते। देखिए, मूविंग एवरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, या फिर जिसे ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, वो ये है कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। लैगिंग का मतलब होता है प्राइस पहले मूव करता है और बाद में इंडिकेटर, हमारे केस में मूविंग एवरेज। तो आप हमेशा जो भी एक्चुअल प्राइस होता है उसके पीछे ही रहते हो। मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो सिर्फ ट्रेंड शुरू होने के बाद ये बता सकता है कि कब ट्रेंड शुरू हुआ। आप कभी भी मूविंग एवरेज से ये नहीं पता कर सकते कि नया ट्रेंड कब से शुरू होगा, क्योंकि ये एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। इस चार्ट को देखिए, अब ट्रेंड के बाद जब प्राइस में करेक्शन आया तो भी मूविंग एवरेज ऊपर ही बढ़ता जा रहा था, क्योंकि प्राइस पहले मूवमेंट दिखाता है और मूविंग एवरेज उसके बाद में। मूविंग एवरेजेस की दूसरी प्रॉब्लम है नॉइस। देखिए, स्टॉक मार्केट में मूविंग एवरेज को इस्तेमाल इसलिए ही किया जाता है कि वो प्राइस में जो भी नॉइस है उसे दूर कर सके, क्योंकि मूविंग एवरेजेस प्राइस का ही स्मूथ प्रतिबिंब होता है। लेकिन चाहे कितनी भी अच्छी मूविंग एवरेज क्यों ना हो, वो भी नॉइस को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाती। इसलिए लोअर टाइम फ्रेम्स पर आप पाओगे कि मूविंग एवरेजेस बहुत ज्यादा फॉल्स सिग्नल देने लगती है, स्पेशली उस वक्त में जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही हो, या फिर ऐसे वक्त में जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो और प्राइस ऊपर नीचे स्विंग कर रहा हो। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉडाउन होता है साइडवेज मार्केट में इसका असफल होना। एक के बाद एक स्टॉप लॉस हिट होना ऑलमोस्ट गारंटेड होता है। आप चाहे कोई भी क्रॉसओवर पेयर ले लो, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मैं यही कहूंगा कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स को लोअर टाइम फ्रेम्स पर ना इस्तेमाल करें। मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करने के दूसरे अच्छे तरीके होते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आइए इन्हें समझते हैं। नंबर 1, यूज मूविंग एवरेजेस इन कॉम्बिनेशन विद प्राइस एक्शन। मूविंग एवरेजेस किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ट्रेंड क्या है, डायरेक्शन क्या है,
ये बताने के लिए बहुत ही अच्छे से काम करती है। लेकिन जैसा कि हमने जाना, उस सिस्टम को आंख बंद करके ट्रेड करना अपने लिए मुसीबतों को इनविटेशन देने जैसा होता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम प्राइस एक्शन के साथ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जनरल डायरेक्शन क्या है मार्केट की, क्या ट्रेंड है। लेकिन ध्यान ये रहे कि मूविंग एवरेजेस एक लैगिंग इंडिकेटर होता है, तो जब भी मूविंग एवरेज को देखें तो हमेशा स्लोप को देखें। अगर ऊपर की तरफ स्लोप हो तो अप ट्रेंड है, और अगर नीचे की तरफ स्लोप हो तो डाउन ट्रेंड। या फिर अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो अप ट्रेंड, और अगर प्राइस मूविंग एवरेजेस के नीचे हो तो डाउन ट्रेंड, और हमें सिर्फ शॉर्ट ट्रेड लेने चाहिए। और इन दोनों को कंबाइन करके मार्केट की डायरेक्शन का पता लगाया जा सकता है, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर हो और स्लोप भी ऊपर की तरफ हो तो ये एक अप ट्रेंड होता है, और जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे हो और स्लोप भी नीचे की तरफ हो तो ये डाउन ट्रेंड। मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका है उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल करना, क्योंकि मूविंग एवरेजेस प्राइस के पीछे पीछे चल रहे होते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छे डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की तरह भी काम करते हैं। ये सिस्टम इतना ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडर्स द्वारा कि आपको बहुत बार, इनफैक्ट अधिकांश टाइम मिलेगा कि प्राइस मूविंग एवरेजेस को बहुत ही अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह ट्रीट करता है। और अगर हम सिंपल और एक्सपोनेंशियल दोनों ही मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, तो सिंपल मूविंग एवरेज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो भी एरिया बनता है, जो भी जगह बनती है सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में, उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉन्गर पीरियड मूविंग एवरेजेस जैसे कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज प्राइस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करती है शॉर्टर पीरियड मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में। तो आइए फिर से क्रॉसओवर्स पर चलते हैं। तो जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर्स बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, और जब भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही हो या फिर उस वक्त जब हम उन्हें लोअर टाइम फ्रेम्स पर ट्रेड करते हैं तो बहुत ही खराब सिग्नल जनरेट करती है। तो क्या हम ये मान करके चलें कि क्रॉसओवर्स एक बहुत ही बेकार सिस्टम है? जी नहीं, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स को जब हम हाइयर टाइम फ्रेम्स पर जैसे कि डेली, वीकली या फिर मंथली टाइम फ्रेम्स पर इस्तेमाल करते हैं तो मूविंग एवरेजेस बहुत ही अच्छे से काम करती हैं और बहुत ही अच्छे सिग्नल भी जनरेट करती हैं। लेकिन हाइयर टाइम फ्रेम्स पर भी क्रॉसओवर सिस्टम की कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं। जब भी एक क्रॉसओवर होता है शॉर्टर पीरियड और लॉन्गर पीरियड मूविंग एवरेज के बीच में, तो एक बाई सिग्नल जनरेट होता है और वहां पर हमारी एंट्री भी ट्रिगर हो जाती है, लेकिन एग्जिट भी उसी वक्त ट्रिगर होता है जब फिर से क्रॉसओवर होता है। और ये बहुत बार देखा गया है कि जब भी एग्जिट के लिए क्रॉसओवर्स होता है तब तक प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा वैनिश हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है, क्योंकि हम इसे हायर टाइम फ्रेम्स पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैं इसे सिर्फ लॉन्ग सिग्नल्स के लिए यूज करता हूँ, और एग्जिट या फिर शॉर्ट के लिए इसे बिल्कुल ही अवॉइड करता हूँ, इसे इस्तेमाल नहीं करता। शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं इन क्रॉसओवर को ट्रेड करने के लिए करता था वो ये कि आई यूज टू टेक ट्रेड्स इन लॉट ऑफ हरी, और ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि बहुत सारे ट्रेडर्स की कहानी है। इसलिए जल्दबाजी में ट्रेड्स बिल्कुल ना लें। लेट द प्राइस कंफर्म ऑफ द क्रॉसओवर्स देन ओनली ट्रेड। एक बार कंफर्मेशन आ जाता है क्रॉसओवर का, प्राइस क्रॉसओवर्स के ऊपर पहुंच जाता है, क्लोज दे देता है, तभी उसे ट्रेड करें। और जब आप ट्रेड ले लेते हैं उसके बाद में ट्रेड को मैनेज करना पड़ता है। कुछ ट्रेडर्स जब भी क्रॉसओवर में एग्जिट सिग्नल आता है तभी एग्जिट करते हैं, लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि ये सिस्टम बहुत ही लेट एग्जिट सिग्नल देता है, तब तक अच्छा खासा प्रॉफिट्स का नुकसान हो चुका होता है। तो एग्जिट के लिए आप अलग से एग्जिट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं ऊपर की साइड में, या फिर जब सिंगल मूविंग एवरेज को अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस तोड़ता है तो वहां पर एग्जिट किया जा सकता है, या फिर फिक्स टारगेट, आप एक फिक्स टारगेट लेकर के चल सकते हैं, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के पास में भी एग्जिट किया जा सकता है। विच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग एवरेजेस फॉर क्रॉसओवर सिस्टम? इस सवाल का जवाब बहुत ही ज्यादा वेरी करता है। मैं पर्सनली बाई ट्रेडिंग सिग्नल के लिए अधिकतर समय डेली टाइम फ्रेम पर 200 पीरियड ईएमए और 20 ईएमए की कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करता हूँ।
लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है, और आप भी कॉम्बिनेशन जो आपको ठीक लगती हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सी कॉम्बिनेशन कब बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है, इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि मार्केट कभी भी एक जैसी नहीं होती, कभी हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाती है तो कभी ऐसा टाइम आता है कि मार्केट बिल्कुल ही डायरेक्शनलेस होती है, कुछ पता नहीं चलता कि आगे कहाँ जाएगी। इसलिए एक अच्छे ट्रेडर की निशानी यही होती है कि वो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से अपने क्रॉसओवर सिस्टम के लिए मूविंग एवरेज की कॉम्बिनेशन को बदलता रहता है, एडजस्ट करता रहता है, क्योंकि कोई भी ऐसी मूविंग एवरेजेस नहीं होती जो कि हर तरह की मार्केट में फिट हो जाए। सो यू मस्ट कंटिन्यूअसली बैक टेस्ट दिस कॉम्बिनेशन और वही यूज करें जो आपके टाइम फ्रेम्स पर और करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से सही सिग्नल दे रही हो। सबसे सही तरीका तो यही होता है कि हम इस स्ट्रेटजी का सिर्फ उन स्टॉक्स पर इस्तेमाल करें जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो। इसलिए जिस भी कंपनी में आप ट्रेड करना चाहते हैं उसके फंडामेंटल्स पर जरूर ध्यान रखें, वरना अगर आपके पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप निफ्टी 50 पर इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।